आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज भले ही लोग हमारी बात समझें या न समझें, लेकिन ये निश्चित मानिए कि कल हमारा है। लोग बीमारियों से कम और एलोपैथी दवाओं से और उनके साइड इफेक्ट से पैदा होने वाली जो नई नई बीमारियां हैं उनसे ज़्यादा मरने लगे हैं और मरेंगे, तभी प्रकृति की ओर लौटेंगे। क्योंकि साधारण रूप से समझाने से बहुत सारे लोगों पर असर नहीं होता, इसलिए वे नेचुरोपैथी या किचन थेरेपी के महत्व को समझते नहीं हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि वो सीधी सहज गोली खाना पसंद करते हैं, मेहनत करके काढ़ा बनाना पसंद नहीं करते। इतना हमारा जीवन आलसी हो गया है, ये बहुत दुख की बात है। खैर, एनीवे, निश्चित रूप से वे लोग भी कल आएंगे। आज आप हमारे साथ हैं, कल वे भी हमारे साथ होंगे, जब उन्हें प्रकृति की ओर लौटने को मजबूर होना पड़ेगा। एक दिन निश्चित रूप से ऐसा आएगा, बैक टू नेचर। आज हम आपके किचन में ही मौजूद अजवाइन, एक छोटा सा मसाला है अजवाइन, लेकिन वो कितना करामाती मसाला है और किस किस प्रकार से किन किन बीमारियों में वो काम आता है और बिल्कुल ठीक कर देता है, इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। अजवाइन का काढ़ा मजबूत इम्यून सिस्टम, हेल्दी पाचन तंत्र के साथ ही बहुत सारी चीज़ों में ज़बरदस्त फायदा देता है। अजवाइन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, कॉपर, फास्फोरस, आयोडीन, कोबाल्ट और मैग्नीज जैसे पदार्थ, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। अजवाइन के काढ़े में एंटी पैरासिटिक, एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं। यह काढ़ा पेट की परेशानियों जैसे पेट दर्द, अपच, गैस, एसिडिटी को दूर करने में मददगार हो सकता है। यह काढ़ा फेफड़ों की सफाई करने में मददगार हो सकता है। इसके साथ ही यह काढ़ा गठिया के रोगों के लिए भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है। अजवाइन पेट संबंधी कई समस्याओं से निजात दिलाने में काफ़ी मददगार हो सकता है। कई बार खराब खान पान से पाचन संबंधी समस्याएं होने लगती है, जिससे पेट में दर्द और कब्ज हो सकती है। ऐसे में आप अजवाइन का सेवन कर पाचन को दुरुस्त कर सकते हैं। अजवाइन का उपयोग पाचन तंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अजवाइन काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। अगर आप रोज़ाना अजवाइन का काढ़ा या पानी का सेवन करते हैं, अजवाइन के पानी का, तो आप इम्यून पावर को बढ़ावा दे सकते हैं। अजवाइन में कई ऐसे तत्व होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो सकते हैं। आप सुबह खाली पेट अजवाइन का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। गैस और कब्ज से राहत दिलाता है। गैस और कब्ज की समस्या किसी को भी हो सकती है, ऐसे में अजवाइन इस समस्या के लिए असरदार साबित हो सकती है। अजवाइन में एंटी स्पास्मोडिक और कार्मिनेटिव गुण पाए जाते हैं, जो गैस के प्रभाव को कम करने के लिए रामबाण उपाय हो सकते हैं। साथ ही इसमें थायमोल नामक कंपाउंड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बीमारी से राहत पाने के लिए किया जा सकता है। अस्थमा में ये काफ़ी लाभकारी है, और इस समय सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, इस कारण से हम सर्दी की जो समस्याएं होती है उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अजवाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अस्थमा जैसी श्वसन तंत्र की समस्या से राहत दिलाने में भी अजवाइन लाभदायक हो सकता है। दरअसल अजवाइन में एंटी अस्थमा प्रभाव होता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव श्वसन प्रणाली पर पड़ता है, जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में उस पर असर पड़ता है। इससे अस्थमा की समस्या से कुछ राहत मिल सकती है। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। सर्दी, फ्लू और वायरल इन्फेक्शन, इनके लिए भी अजवाइन काफ़ी कारगर है। अजवाइन एंटीबैक्टीरिया के रूप में माना जाता है। इसके अलावा थायम शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने का काम कर सकता है, जिससे जुकाम, फ्लू और अन्य वायरल इन्फेक्शन को दूर रखा जा सकता है। ये काढ़ा बनाने का एक तरीका है, अजवाइन का काढ़ा बनाने का। एक चम्मच अजवाइन ले लें,
एक चम्मच हल्दी ले लें, एक चम्मच शहद या गुड़ ले लें, एक चुटकी जो है एक चुटकी काला नमक ले लें, सॉरी, एक नींबू या फिर एक चम्मच सेब का सिरका, एप्पल का सिरका ले लें, 2 ग्लास पानी ले लें। सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालें और उसे उबालने के लिए रख दें। इसके बाद उसमें हल्दी और अजवाइन को डाल दें। फिर पानी को तब तक उबलने दें जब तक पानी उबल करके और आधा न रह जाए। इसके बाद उसे एक गिलास में छान लें और उसमें नींबू का रस या सेब का सिरका, काला नमक और शहद या गुड़ को मिला लें। अब अजवाइन से बने इस काढ़े को घूंट घूंट करके पिएं। ये काढ़ा आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करेगा। एक और तरीका है काढ़ा बनाने का। इसके लिए एक पैन में एक गिलास पानी डालकर उबालें, आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा गुड़ धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद गुनगुना कर सेवन करें। यह काढ़ा पेट के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, साथ ही खांसी की समस्या से भी आपको राहत दिला सकता है। सर्दी, जुकाम, अपच की समस्या, मुंह की दुर्गंध के साथ कई परेशानियों से निजात दिलाने में कमाल है अजवाइन का। जब भी पेट में कुछ समस्या होती है, जैसे पेट दर्द, अपच, कब्ज, एसिडिटी, हर समस्या के लिए रामबाण माना जाता है अजवाइन। यह कमाल का मसाला पेट की कई परेशानियों को दूर कर पाचन को बेहतर बनाने का काम कर सकता है। अजवाइन का सेवन करने से पेट को आराम मिलता है। इसके लिए आपको गर्म पानी के साथ अजवाइन का सेवन करना चाहिए। अजवाइन का ऐसे भी सेवन कर सकते हैं। और एक जो हमने चूर्ण बता रखा है, 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम काला नमक, इन चारों का मिश्रण पीस करके मिक्सर में और तैयार करके रखें। सवेरे शाम को एक एक चम्मच खाना खाने के बाद में लें, थोड़ा सा एक घुटक गुनगुना पानी ऊपर पी लें, तो आपको पेट की समस्याओं से काफ़ी आराम मिलेगा, काफ़ी राहत मिलेगी। जोड़ों का दर्द भी आपका जो है उसमें कमी आएगी। यह कमाल का मसाला एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरा होता है, साथ ही इसमें कई एंटी ऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये सभी जोड़ों के दर्द को दूर करने में मददगार हो सकते हैं। अजवाइन का सेवन करना जोड़ों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए सरसों के तेल में अजवाइन डाल लें और इसे अच्छी तरह से गर्म कर मिश्रण से जोड़ों की मालिश करें। ये जो सरसों का तेल है उसमें पिसा हुआ अजवाइन डाल करके गर्म करें और गर्म करने के बाद में उस मिश्रण से जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स पेन है वहाँ पर आप मसाज कर सकते हैं। इसी तरह से चोट की सूजन को कम कर देता है ये। अगर आपके शरीर पर चोट लगी है तो अजवाइन का उपयोग कर चोट के दर्द और सूजन में राहत पाई जा सकती है। चोट वाली जगह पर हल्दी और अजवाइन लगाने से आराम मिल जाएगा। सरसों के तेल में ही हल्दी और अजवाइन पका करके और वो जहाँ पर भी चोट लगी हुई है वहाँ पर आप थोड़ा सा लगा दीजिए, उससे आराम मिलेगा और सूजन कम हो जाएगी। यानी सिर्फ सूजन और दर्द को दूर कर सकते हैं बल्कि घाव को भी जल्दी भरने में भी मदद कर सकते हैं। इसी तरह से साइनस के रोगियों के लिए काफ़ी लाभदायक है। साइनस के रोगियों को ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है और गठिया की बीमारी के लिए भी यह फायदेमंद है। गठिया के रोगियों में जोड़ों का दर्द, सूजन और अकड़न को दूर करने के लिए अजवाइन काफ़ी लाभकारी हो सकता है। गठिया के मरीजों के लिए अजवाइन काफ़ी फायदेमंद है। यह शरीर से हाई यूरिक एसिड लेवल को घटाने में कारगर माना जाता है। गठिया के मरीज अजवाइन के चूर्ण की एक पोटली बना करके घुटनों को सेकें तो उससे भी उनको राहत मिलेगी। मुहासों से काफ़ी आपको राहत मिल सकती है। अक्सर स्किन पर मुहासे निकल आते हैं, ऐसे में हमारे पास यह घरेलू उपाय काफ़ी कारगर हो सकता है। मुहासों से छुटकारा पाने के लिए दही के साथ अजवाइन को पीस लें और इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं। इस लेप को सूखने तक रहने दें। जब लेप सूख जाए, पेस्ट सूख जाए तो चेहरे को अच्छे से धो लें। यह नुस्खा जल्द स्किन से मुहासों को की छुट्टी कर देगा। गले की खराश को दूर कर सकते हैं इसी अजवाइन से। बदलते मौसम में गला खराब हो जाता है, इसमें गले का बैठना, खराश शामिल है। गले की इन समस्याओं से निजात पाने के लिए अजवाइन रामबाण हो सकता है। आप बेर के पत्तों और अजवाइन को पानी में उबाल लें। उबालने के बाद इस पानी को अच्छे से छान लें और फिर छाने हुए पानी से गरारा करें।
इससे आपको ज़रूर राहत मिल सकती है। इसके अलावा यदि आपको गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मूली या मूली के पत्ते, उनका रस निकाल लें और उसे गर्म करें, थोड़ा सा काला नमक मिला करके और उससे गरारे करें, तो उससे भी आपको गले की सेक होगी, सिकाई हो जाएगी और गला अच्छा हो जाएगा। सिरदर्द में भी काफ़ी फायदेमंद है ये अजवाइन। सिरदर्द कई कारणों से हो सकता है, सिरदर्द की समस्या को दूर करने के लिए आधा लीटर पानी में 2 चम्मच अजवाइन डालें और इस पानी को उबाल लें। इसके बाद पानी को अच्छे से छान लें और दिन में 2-3 बार इस पानी का सेवन करें, और इसकी जो स्मेल है जब उबालें तो उबालते समय भी पास में खड़े रहें और उसकी स्मेल को लें, उससे भी आपको सिरदर्द में काफ़ी आराम मिलेगा, माइग्रेन में भी काफ़ी आराम मिलेगा। इसी तरह से मुंह की दुर्गंध से ये निजात दिला सकता है। ब्रश करने के बाद भी कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती रहती है, ऐसे में आप इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अजवाइन के पानी का सेवन कर सकते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल करने से मुंह से दुर्गंध की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए आप उबाले हुए अजवाइन के पानी को पी सकते हैं या कुल्ला कर सकते हैं। यह हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को तेज़ करती है, जिससे वजन घटाने में भी इससे मदद मिलती है। अजवाइन वजन भी घटाता है। अजवाइन रुचिकारक और पाचक होती है, या भूख और पाचन शक्ति को बढ़ाकर पेट संबंधी अनेक रोगों को दूर करने में मदद करती है। अजवाइन का पानी उबालने पर या उसका पानी पीते हुए जो भाप मिलती है, इससे सिरदर्द और नाक के कंजेशन में काफ़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा अजवाइन के पानी से उल्टी भी ठीक हो जाती है। यदि आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, छींक मिचला रहा है, तो आप अजवाइन का पानी पियेंगे तो उसमें भी उसे राहत मिलेगी। और ये जो अजवाइन का पेस्ट है, इसको चेहरे पे लगाएंगे तो आपको सप्ताह भर में जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। विटामिन के कम सेवन से हड्डी फ्रैक्चर का खतरा रहता है। विटामिन के से भरपूर अजवाइन हड्डी के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। अस्थि मैट्रिक्स प्रोटीन के संशोधक के रूप में कार्य करता है यह अजवाइन। कैल्शियम के अवशोषण में भी सुधार और कैल्शियम के मूत्र उत्सर्जन में को कम करता है। साथ ही विटामिन सी से युक्त अजवाइन पॉलीऑर्थराइटिस के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए अजवाइन का उपयोग करें बाजारू दवाइयों के बजाय। धन्यवाद।